हाय स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग गुड एट योर होम्स। और आपको वीडियोस काफ़ी समझ आ रहे होंगे और आप एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं अब उनको कर पा रहे होंगे। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज आपको समझाया था। देयर वर टू टाइप्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, वन इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड अनदर वन इज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड के लिए हमने कंडीशन निकाली थी स्टूडेंट्स, दैट आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर। द रेजिस्टर्स आर हैविंग द सेम रेशियो इन द टू आर्म्स। तो उसी कंडीशन का हम यूज करेंगे एक न्यूमेरिकल के अंदर। देखिए, ये बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल है। दिस इज अ सर्किट विच इज गिवन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी, मैंने आपको क्या बताई थी, नंबरिंग टेक्निक स्टूडेंट्स, हम उसी नंबरिंग टेक्निक का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए, जहां जहां पे जंक्शन है मैं वहां पे नंबर से डिनोट कर देता हूं ताकि मुझे क्लियरली पता चल जाए कि कौन सा रेजिस्टेंस किससे कनेक्ट है। तो मैंने यहां पे नंबर दे दिया, देखिए वन, यहां पे नंबर दे दिया टू, इधर दे दिया मैंने थ्री, यहां पे सपोज नंबर दे दिया मैंने फोर। तो भाई, ये बात करते हैं पहले ए पॉइंट की। तो ए पॉइंट से अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से वन पे स्टूडेंट, ये मैंने बना दिया वन। तो वन से स्टूडेंट दो रजिस्टर निकल रहे हैं, देखिए दो ब्रांचेज निकल रही हैं। पहली ब्रांचेज 10 ओम की और दूसरी कौन सी है स्टूडेंट, 2 ओम की। तो मैंने निकाल दी यहां से दो ब्रांचेज, एक निकाल दी मैंने 10 ओम की, दूसरी मैंने निकाल दी स्टूडेंट्स 2 ओम की। ओके, ये दो ब्रांचेज मैंने निकाल दी। अब देखिए, 2 ओम जो है ये एक जंक्शन 2 इससे कनेक्ट है स्टूडेंट, और 10 ओम जो है ये एक और जंक्शन 3 से कनेक्ट है। मतलब यहां पे कुछ और जंक्शन बन रहे हैं, तो मैं इसके दूसरे एंड का नाम लिख लेता हूं। देखिए, 2 ओम का जो रेजिस्टर था, इसके दूसरे एंड का मैंने नाम लिख लिया स्टूडेंट्स 2। यहां पे मैंने नाम लिख लिया इसका 2, और 10 ओम के का लिख लिया मैंने 3। यहां पे लिख लिया स्टूडेंट मैंने 3। अब देखिए, 2 जो है ये कनेक्ट है स्टूडेंट 1 ओम रजिस्टर से। जो 2 है ये किससे कनेक्ट है स्टूडेंट्स, 2 जो है वो 1 ओम से कनेक्ट है। तो मैंने यहां पे 1 ओम से कनेक्ट कर दिया 2। लेकिन 2 जो है वो कहां पे खत्म हो रहा है स्टूडेंट, 4 पे खत्म हो रहा है। ये जाके किस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, देखिए 1, 4 पे खत्म हो रहा है, और 4 किससे कनेक्ट है, बी से। अब आप यहां पे देखेंगे कि 4 जो है वो एक और रजिस्टर से कनेक्ट है, दैट इज 5 ओम। तो ये मैंने एक और रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट 5 ओम, और मुझे पता लग रहा है कि 5 ओम का जो दूसरा सिरा है स्टूडेंट वो 3 से कनेक्ट है। देखिए, 5 ओम का जो दूसरा सिरा है वो 3 से कनेक्ट है, तो कर दिया मैंने। लेकिन 3 और 2 के बीच में स्टूडेंट एक और रजिस्टर लगा है, वो हम यहाँ पे जरूर बनाएंगे। 3 और 2 के बीच में 20 ओम का रजिस्टर बना हुआ है। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट आ गया। देखिए, कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई हमें। तो नंबरिंग की टेक्निक से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस सर्किट को देखते हुए मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा था कि किस टाइप का ये सर्किट है, लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया स्टूडेंट्स, तो मुझे समझ आ रहा है कि ये कुछ नहीं है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। और आप अब चेक करेंगे कि क्या ये बैलेंस्ड है। तो बैलेंसिंग के लिए मैंने क्या बताया था स्टूडेंट आपको, आपको बस इतनी सी बात देखनी है कि क्या रेजिस्टर्स की रेशियो बराबर है। तो देखिए, 10 बाय 2 दैट इज 5, 5 बाय 1 दैट इज 5। वाओ, इट इज बैलेंस्ड। तो ये बैलेंस्ड है, और अगर बैलेंस्ड है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब इस दो पॉइंट का, 3 और 2 का पोटेंशियल सेम रहेगा, और यहां से कोई करंट पास नहीं करेगा। अगर इस आर्म से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जितना करंट 10 में आ रहा था सारा का सारा 5 में चला जाएगा, और हम कह सकते हैं 10 एंड 5 आर इन सीरीज। तो मैं देखिए इस सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूं। रीड्रॉ करते हुए 10 प्लस 5 स्टूडेंट्स 15 ओम, ये पॉइंट कौन सा है, ये ए है। ऐसे ही 2 प्लस 1 स्टूडेंट्स दैट इज 3 ओम। ये रजिस्टर दिखाने की तो जरूरत नहीं है हमें,
क्योंकि मुझे पता है इससे कोई करंट पास नहीं होना, तो 20 मैंने रिमूव ही कर दिया। अब देखिए 15 और 3 पैरेलल में है, जिनको आप करते आए बहुत आसान है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, दैट इज 15 इंटू 3 बाय 15 प्लस 3, दैट इज 45 बाय 18। आप इसको सोल्व करेंगे अगर, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 5 बाय 2, दैट इज 2.5 ओम। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, यस 2.5 ओम। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ा, लेकिन अगर आप इस टेक्निक का यूज करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। एक बार आपको समझने की जरूरत है, फिर आप जैसे ऐसे फिगर्स देखोगे, ऐसे डायग्राम देखोगे, आप अपने आप से इन क्वेश्चंस को करना शुरू कर दोगे। ओके, आइए स्टूडेंट अब बात करते हैं हम अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। देखिए ये मैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा हूं, ये रेजिस्टेंस R1, R2, बीच में स्टूडेंट मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, R3 एंड दिस इज R4। फाइन स्टूडेंट्स, तो देखिए अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन ये है कि यहां पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू कुछ ना कुछ करंट पास होगा, इस गैल्वेनोमीटर से कुछ करंट जाएगा स्टूडेंट, सपोज IG जा रहा है, तो वी कैन से दैट इफ गैल्वेनोमीटर, इफ गैल्वेनोमीटर शो सम डिफ्लेक्शन देन व्हीटस्टोन ब्रिज इज अनबैलेंस्ड। तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर IG 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ब्रिज कैसा है, अनबैलेंस्ड है। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, अगर इन रेजिस्टेंसेस की रेशियो बराबर नहीं है तो भी हमारा ब्रिज क्या होगा स्टूडेंट्स, अनबैलेंस्ड होगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर ये रेशियो बराबर है तो हम उस ब्रिज को क्या बुलाएंगे, बैलेंस्ड, और ऑब्वियसली अगर बराबर नहीं है तो अनबैलेंस्ड होगा जरूर, और उस केस में ये जो दो पोटेंशियल है इन दोनों पॉइंट के, ये भी अलग अलग होंगे। फाइन, तो ये बातें आपको याद रखनी है अनबैलेंस्ड के केस में। इसके ऊपर स्टूडेंट NCERT में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, आइए वो एग्जाम्पल एक बार कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। और नेटवर्क स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, देखिए कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज ऑल्सो 5 ओम एंड दिस इज 10 ओम। इसको फिर स्टूडेंट फर्दर कनेक्ट किया गया है एक 10 ओम के रजिस्टर से, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी की जो वोल्टेज है स्टूडेंट दैट इज 10 वोल्ट। तो ये सर्किट हमें दिया हुआ है। ओके, इन पॉइंट्स के नाम है स्टूडेंट A, दिस इज गिवन एज D, दिस इज B, दिस इज C, E एंड F। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है, और आपको पूछा हुआ है आपको हर एक ब्रांच से करंट निकालना है। देखिए तो सबसे पहले तो मैं यही चेक करूंगा स्टूडेंट मेरे क्वेश्चन के अंदर कि क्या दोनों रेजिस्टेंसेस की, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी रेशियो जो है क्या वो बराबर है। तो आप देखिए 10/5 इज नॉट इक्वल टू 5/10, ये आएगा 2 और ये आएगा 1/2 जो कि बराबर नहीं है। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमारा जो ये
केस है ये कौन सा है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है, और उस केस में आपको हमें इसमें किरकॉफ रूल लगाने पड़ेंगे स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा होने वाला है, छोटा नहीं बनेगा, इसमें काफ़ी सारी इक्वेशंस बनेंगी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं करंट मान लेता हूँ, उसकी एक डायरेक्शन मान लेता हूँ जो मैंने आपको सिखाया था किरकॉफ रूल में कैसे उनको लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि बैटरी से सपोज आई करंट चला स्टूडेंट, आई करंट ड्रॉ हुआ और यहाँ पे जाने के बाद जंक्शन में आई वन करंट इस आर्म में चला गया और आई टू करंट यहाँ पे चला गया। फिर आई वन में से स्टूडेंट आई जी करंट इस आर्म से गया है और यहाँ पे बच गया स्टूडेंट आई माइनस आई जी, देखिए यहाँ पे बच गया आई माइनस आई जी, और इस आर्म में स्टूडेंट कितना आ जाएगा आई जी प्लस आई टू, ये इस आर्म में हो जाएगा स्टूडेंट। और फिर फर्दर यहाँ पे आने के बाद आई वन प्लस आई टू देखिए मिलके फिर क्या बना देंगे, आई करंट बना देगा, तो आई करंट फिर से वापस आ जाएगा। तो ये आपने करंट की डिवीजन कर ली। सबसे पहली इक्वेशन तो मैं यही लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स कि आई बराबर आई वन प्लस आई टू, ये कहाँ से आया स्टूडेंट, फ्रॉम जंक्शन रूल, क्योंकि हमें पता है एक पॉइंट पे जितना करंट आ रहा होगा स्टूडेंट उतना ही लीव कर रहा होगा वहां से। अब देखिए दूसरा मैं एक लूप ले सकता हूं इसके अंदर, सपोज कर लो मैं सबसे पहले स्टूडेंट ये स्मॉलर लूप ले लेता हूं, यहां पे ये स्मॉल लूप, देखिए इन लूप ए बी डी ए, ए बी डी ए में देखिए क्या लिख सकते हैं हम, ए से अगर मैं शुरू करूंगा तो माइनस आई वन इंटू टेन, माइनस क्यों लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो और करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो नेगेटिव माइनस आई वन इंटू टेन, सिमिलरली माइनस फाइव इंटू आई जी माइनस फाइव इंटू सॉरी प्लस आएगा, देखिए क्योंकि करंट इस तरफ है और आप जा रहे हो उस तरफ, सो दिस इज प्लस फाइव आई टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो इसीलिए क्योंकि स्टूडेंट देखिए उसी पॉइंट पे आप घूम के वापस आ गए। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ये आपके आई वन आई टू और आई जी को रिलेट कर रही है। सिमिलरली देखिए एक आप इस लूप में लगा सकते हैं, फिर इस लूप की बात कर लेते हैं एक बार, तो इस लूप की अगर मैं बात करूंगा तो मैं लिख देता हूं इन लूप सी बी डी सी, यहां से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस देखिए आई वन माइनस आई जी लिखा हुआ है ना, लेकिन आप इसके अपोजिट जा रहे हो तो प्लस आएगा, देखिए आप इस तरफ ट्रेवर्स कर रहे हो सी से बी की तरफ, करंट जा रहा है बी से सी, तो ये प्लस आएगा प्लस फाइव इंटू आई वन माइनस आई जी, यहां पे स्टूडेंट अगेन माइनस फाइव आई जी क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही आपको जाना है, फिर इस तरफ भी माइनस आएगा माइनस टेन इंटू आई टू प्लस आई जी इज इक्वल टू जीरो। देखिए दो इक्वेशन आपके पास आ गई, ये इक्वेशन भी आई वन आई जी और आई टू को रिलेट कर रही है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे टोटल देखिए तीन वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, तो अभी भी एक और इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, और वो इक्वेशन हम कहाँ से निकाल सकते हैं, एक मैं इस पूरे लूप में लगा लेता हूँ, देखिए मैं लगा लेता हूँ स्टूडेंट ई ए डी सी एफ ई, सो आई कैन राइट, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं इन लूप ई ए डी सी ई ए डी सी एफ ई ए डी सी एफ ई। तो देखिए इस लूप के अंदर अगर आप लगाएंगे तो सबसे पहले मैं यहां से ट्रेवर्स करना शुरू करता हूं स्टूडेंट, ई से शुरू करता हूं, देखिए ई से यहां पे आई करंट तो है लेकिन कोई ड्रॉप नहीं होगा यहां पे क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर ए डी में स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं माइनस फाइव आई टू, अब यहां पे आ जाइए यहां पे देखिए 10 है करंट उसी डायरेक्शन में, सो माइनस 10 आई टू प्लस आई जी, अब यहां से जाने के बाद फिर आप बैटरी के ऊपर आएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव से निकल रहे हो बाहर तो प्लस 10, फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप होगा
देखिए कितना आएगा, माइनस टेन आई इज इक्वल टू जीरो। लेकिन स्टूडेंट आपको पता है आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, तो ये इक्वेशन आई वन प्लस आई टू में ही बन जाएगी। तो तीन इक्वेशन है आपके पास, तीन वेरिएबल है स्टूडेंट्स, इसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूं थर्ड, दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन। देखिए कितनी सारी इक्वेशंस हो गई हमारे पास, तीन इक्वेशन हो गई हैं। अब आप बोलोगे आई है इसमें, तो आई को आप रिप्लेस कर लोगे आई वन प्लस आई टू से, तो ये बन जाएगा माइनस टेन आई वन प्लस आई टू। तो अब आपके पास तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है आई वन आई टू आई जी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस इक्वेशन को सोल्व करिएगा, नहीं तो आप एनसीईआरटी में एक बार इसको देख लेना, आपको उसमें कैसे इनको सोल्व करनी है इन इक्वेशंस को, वो आप देख लोगे। यहां तक मैंने आपको फिजिक्स सिखा दी, आगे बस आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करना है कि कैसे तीन वेरिएबल की इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है। वो सोल्व करके आप क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट, आई वन आई टू आई जी, तो सभी ब्रांचेस के अंदर आपको करंट पता चल जाएगा। मेरे को बस आपको सिखाना था कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के। तो इसमें भी मैंने कुछ अलग नहीं लगाया स्टूडेंट, किरकॉफ्स रूल अप्लाई किए हैं, लूप रूल और जंक्शन रूल, और यही चलना है सब कुछ, ठीक है स्टूडेंट। तो इनकी मदद से आप निकाल सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट अस डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज स्टूडेंट्स मीटर ब्रिज और अ स्लाइड वायर ब्रिज। देखिए स्टूडेंट, मीटर ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल डिवाइस। ये क्या है स्टूडेंट, इट इज अ प्रैक्टिकल डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। ओके, ये आपकी लैब में भी अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट मीटर ब्रिज, और ये आपका एक एक्सपेरिमेंट भी है जो आप 12th क्लास में परफॉर्म करोगे लैब के अंदर। तो स्टूडेंट मैं आपको सबसे पहले इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूं कि ये दिखता कैसा है। देखिए इसके अंदर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है स्टूडेंट, बिकॉज इन दिस देयर इज ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। इसके अंदर एक वायर लगा होता है जिसकी लेंथ कितनी होती है स्टूडेंट, लेंथ होती है 1 मीटर। यहां पे स्टूडेंट स्केल होता है ये, और ये वायर है स्टूडेंट, ये वायर है। वायर के जो दूसरे हिस्से हैं, ये वायर के जो दूसरे हिस्से हैं स्टूडेंट, ये कनेक्ट होते हैं थिक मेटल स्ट्रिप्स से। ये मेटल की स्ट्रिप्स लगी होती हैं स्टूडेंट, ये थिक होती हैं, थिक इसीलिए होती हैं ताकि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो और ये हमारी मेजरमेंट में कोई दिक्कत ना दें। ओके, ये उसमें रेजिस्टेंस कुछ ऐड ना करें, एरर कम से कम आए, इसीलिए इनको थिक लेते हैं ये। ओके, फिर यहाँ पे स्टूडेंट दो गैप होते हैं, ये फिर से मेटल की स्ट्रिप है, ये आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे, यहां पे दो गैप हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये दो गैप हैं यहां पे कनेक्शंस के लिए, यहां पे जॉइंट्स दिए होते हैं आपको, स्क्रूज दिए होते हैं कनेक्शन के लिए, और इनका जो दूसरा सिरा है यहां से, ये कनेक्ट होता है स्टूडेंट एक एक्सटर्नल सेल से या फिर बैटरी से। देखिए ये बन गया आपका सर्किट, आप यहां पे डिनोट कर देंगे कि ये लेंथ कितनी है स्टूडेंट, दिस इज टोटल 1 मीटर। ओके, देखिए ये हमारा सर्किट बन गया पूरा। अब इस सर्किट के अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं हम, पहले इस गैप में आप एक नॉन रेजिस्टेंस लगाते हो। क्या लगाते हो आप, एक नॉन रजिस्टर, नॉन का मतलब जिसको आप जानते हो, आपको उसकी वैल्यू पता है। फिर यहां पे देखिए आप क्या लगाते हैं, यहां पे आप लगाते हैं स्टूडेंट एक अननोन रेजिस्टेंस, अननोन जिसके बारे में आपको नहीं पता, आपको इसकी वैल्यू नहीं मालूम है।
फिर जो बीच में ये स्क्रू है स्टूडेंट, इससे आप क्या कनेक्ट करते हो, एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से एक हम मूवेबल डिवाइस यूज करते हैं, वो मूवेबल डिवाइस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जॉकी। दिस मूवेबल डिवाइस ओवर हेयर इज नोन एज जॉकी। ये तो देखिए, ये हमारे पास कुल मिला के सर्किट है मीटर ब्रिज का, और आपको इसमें स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कैसे एक्ट कर रहा है। देखिए, अगर मैं इसका सर्किट आपको दिखाना चाहूं तो एक तरफ रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, फिर ये जो वायर है स्टूडेंट, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। आपको याद रखना है ये वायर कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है पहली बात, और आप किसी भी लेंथ के अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस देखेंगे, सेम लेंथ के अक्रॉस सेम रेजिस्टर मिलेगा, और यू कैन से रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर इज कॉन्स्टेंट, यूनिफॉर्म। इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो मैं अगर अज्यूम कर लेता हूं, लेट फाई बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ 1 मीटर वायर। तो देखिए, फाई अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो आप बता सकते हैं कि जब ये कनेक्ट होगी जो कि यहां पे, तो इस वायर का जो ये लेंथ आ रही है यहां से यहां तक वायर की, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। सिमिलरली इसके इधर जो है इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो सर्किट है स्टूडेंट, देखिए कैसा बन गया, एक तरफ क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे R, उसके बाद स्टूडेंट इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, थिक मेटल स्ट्रिप्स हैं, फिर इसका रेजिस्टेंस है, फिर ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है स्टूडेंट R के साथ, S लगा हुआ है ऊपर, R के साथ क्या लगा हुआ है S, लेकिन R और S के बीच में क्या लगा हुआ है स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर, और जो कि इसके साथ यहाँ पे कनेक्शन बना रही है इसके साथ, तो ये कनेक्शन बना दिया मैंने, और ये दूसरा ये इसका रेजिस्टेंस है, और इसको फिर बाद में आपने किससे जोड़ा है, एक बैटरी से जोड़ा है। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था स्टूडेंट कि ये किस तरीके से एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, और बैलेंस कब होगा स्टूडेंट, बैलेंस तब होगा जब ये गैल्वेनोमीटर के अंदर नल डिफ्लेक्शन होगी, जीरो डिफ्लेक्शन होगी। अब अच्छी बात ये कि आपके पास ये जोकी जो है, ये इसको मूव करा के आप ओबटेन कर सकते हैं वो लेंथ इस वायर की, जिसके लिए यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन होगी या कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और वही हमारा काम होता है। आइए अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी आपको बताना चाहूंगा इसका प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, देखिए प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है स्टूडेंट ये, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे बेस्ड है स्टूडेंट्स ये, दैट रेजिस्टेंसेस अगर सेम रेशियो में होंगे, अगर ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन है, दैट मींस रेजिस्टेंसेस जो है वो सेम रेशियो में होंगे। अब दूसरी बात हम करते हैं कि कैसे ये अननोन रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, हाउ टू फाइंड दिस अननोन रेजिस्टेंस। तो देखिए, जब मैंने आपको बताया कि इस वायर की जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है दैट इज फाई, लेट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ 1 मीटर वायर इज फाई, अगर मैं फाई मान लेता हूं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो एक यूनिट लेंथ की इतनी है ये फाई है रेजिस्टेंस। अब सपोज कर लो ये एल लेंथ पे जाके बैलेंस हो गया स्टूडेंट, मुझे नल पॉइंट कहां पे मिला है, एल लेंथ पे लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए, अगर एल लेंथ पे मुझे नल पॉइंट मिला है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरी 100 थी, उसमें से एल लेंथ ही चली गई, तो बाकी की कितनी बच गई है, यस 100 माइनस एल लेंथ बच गई है। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, फाइव, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा,
फाई इंटू एल, क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है। तो इस पार्ट का, सो रेजिस्टेंस ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑन द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा ये, फाई इंटू एल। सिमिलरली फॉर राइट साइड, राइट साइड में जो वायर है स्टूडेंट, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस फाई है, तो 100 माइनस एल लेंथ का कितना होगा, 100 माइनस एल इंटू फाई। तो ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस आ गया। अब देखिए इनकी रेशियो जो है फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना, आप तब तक जोकी को मूव कराते रहोगे जब तक कि आपको नल पॉइंट ना मिल जाए, और अगर एक बार नल पॉइंट आपको मिल गया तो आप समझ जाओगे कि ये ब्रिज कैसा बन गया है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। सो फॉर बैलेंस कंडीशन आई कैन राइट स्टूडेंट्स आर बाय एल इज इक्वल टू आर बाय एल इंटू फाइव। देखिए रेजिस्टेंस कितना है इसका, एल इंटू फाइव, तो आर बाय एल इंटू फाइव इज इक्वल टू एस बाय यस 100 माइनस एल इंटू फाइव। देखिए दोनों साइड से R by L into phi है, S by 100 minus L into phi है, तो दोनों तरफ से phi cancel out हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपके पास लास्ट में इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, आपके पास इक्वेशन आ रही है R by L is equal to S by 100 minus L। ये मीटर स्केल की मदद से आप ये लेंथ मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको L पता है, R जो है वो नोन है, तो इसका मतलब क्या नहीं पता आपको बस यहां पे, S दैट इज अननोन रेजिस्टेंस। तो अगर आपको L लेंथ पता है, R पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, S निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस एपरेटस को यूज कर सकते हैं किसी भी एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है, तो आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। ओके, अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये है कि इसमें मीटर ब्रिज के अंदर कम से कम आपको अगर एरर इंट्रोड्यूस करना है तो आप हमेशा इस नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरीके से सेट करना कि आपका जो नल पॉइंट है वो लगभग 50 सेंटीमीटर के करीब आए, वो जब कहीं बीच में रहेगा। ये आपको याद रखनी है कि मिनिमम एरर मीटर ब्रिज में कब होगा, जब आपका नल पॉइंट कहां पे मिलेगा, नियर अबाउट 50 सेंटीमीटर या फिर मिडल ऑफ द वायर, वायर के जब नजदीक होगा तब कम से कम आपके उसमें एरर आएगा, आपका आंसर ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो ये चीज आप याद रखना। ओके,